नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप टिच में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम में हम बुकमार्क को किस तरीके से सेव करेंगे तथा उसे इनपुट तथा एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको बुकमार्क का ये नहीं दिखाई दे रहा है टैब, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पे चले जाइए और यहाँ पे बुकमार्क पे जाने के बाद यहाँ पे सो बुकमार्क बार पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ये शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई यूआरएल पता है, कोई वेबसाइट पता है, तो आप इस पे डायरेक्टली भी राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर के अंदर नाम देके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक यूआरएल ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मुझे यहाँ पे गूगल ऐड करना है, ठीक है, गूगल ऐड करना है। तो उसकी जो वेबसाइट है www.gglegoogle.com, ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अब गूगल आ गया, यानी हर बार अगर मैं कुछ भी ओपन कर रहा हूँ तो अगर मुझे गूगल पे जाना है तो मैं एक क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली गूगल पे चला जाऊँगा, ठीक है। अगर उसी तरीके से मुझे मान लो कि गूगल ट्रांसलेटर सेव करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, एड पेज, और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर दिया गया है। अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म रखना है तो यहाँ पे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे चले जाइए और मैं यहाँ पे जीटी लिख दूंगा तो भी इसका रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये जो टेब है इसके अंदर छोटे छोटे रीनेम करके ऐड करिए, ताकि आपका ये आप बहुत सारे इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मुझे वापस ये नए टेब में यहाँ पे गूगल क्लिक करना है तो गूगल क्लिक कर दिया। फिर मुझे YouTube ओपन करना है तो मैंने YouTube ओपन कर लिया। फिर इसको भी सेव करना है तो मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसे हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। इस पर राइट क्लिक करना है और बुकमार्क मैनेजर में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज में जाना है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इसको आप जहाँ सेव करना चाहें कर दीजिए। मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे आ चुका है और अभी मैं इसको डिलीट करके आपको बता दूँ, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है और ये क्लोज, ठीक है। तो अब मैं गूगल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कोई बुकमार्क नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से बुकमार्क को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको बुकमार्क HTML पे जाना है और यहाँ से आपको चूज बुकमार्क करना है और इस तरीके से आप बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के नए वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।